स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 20 को लेकर के, जो कि आपका इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विषय से संबंधित है और आज का प्रकरण है हमारा उत्पादन यानी प्रोडक्शन। इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने बात की थी 1 से 19 तक की लेशन प्लान को लेकर के, जो कि आपके इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विषय से संबंधित थे। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप अपने लेशन प्लान तैयार कर रहे हैं इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विषय के लिए, तो इसके लिए आप हमारी होम पेज पे जाकर के वहां पर आप जैसे ही सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लेशन प्लान, आपको 1 से 20 लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपनी टीचिंग के लिए लेशन प्लान तैयार कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। इसके बाद आप चाहे तो सीधे सीधे 6 कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मेंशन कर दीजिएगा। सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे यानी डेट, जिस भी डेट को आप लेशन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। विषय यानी सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आप चाहे तो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स डाल सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स में आपका इकोनॉमिक्स पार्ट देखने को मिलता है, तो आप विषय में अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीजें। चक्र की बात की जाए यानी पीरियड आपका सेकंड पड़ा है, आप चाहे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसी तरह आप टाइम पीरियड भी 30 से 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मेंशन कर दीजिएगा। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा 9 पड़ी है और कक्षा 9 में आज का हमारा प्रकरण है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा पॉइंट है, छात्रों में अवकाश के समय व समय का दुरुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। फिर चौथा पॉइंट आएगा, छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना या करने में सहायता प्रदान करना। तो ये हो गए आपके सामान्य उद्देश्य, जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आगे हम आपके देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसे कि आप इनमें 3 पॉइंटों में इन चीजों को लिखेंगे, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। आप देख सकते हैं इनमें आपके 2-2 पॉइंट लिखे हैं, आप चाहे तो इन पॉइंटों को कम करके भी 1-1 पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि इन तीनों पॉइंटों में आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियों को बताएंगे, तो आप इन पॉइंटों को देख लीजिए, इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही आप चीजें बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पर बात हो गई आपके विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपके प्रकरण से संबंधित थे। आगे हम देखेंगे आपकी TLM को, यानी जिसे आप सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करेंगे, जैसे आपने चौक का इस्तेमाल किया, डस्टर, लपेट, शामपट, चित्र हो गया, मॉडल हो गया, कोई वस्तु हो गई, या फिर आप कक्षा उपयोगी सामग्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप TLM देख लीजिए, आप लेशन प्लान की फाइल में बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे। उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र या छात्राओं को विषय संबंधी क्या जानकारी है, तो इसमें आप लिखेंगे, छात्र अनाज व अनाज उगाने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, जो कि उनके विषय से संबंधित था। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, तो इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र संभावित अनुक्रिया। इसमें आप बच्चों से पहला प्रश्न कर सकते हैं, हम लोग क्या खाते हैं। बच्चे बताएंगे हम लोग चावल, दाल, रोटी आदि अनाज खाते हैं। आप दूसरा प्रश्न करेंगे, चावल, दाल व रोटी क्या है। बच्चे बताएंगे चावल, दाल व रोटी अनाज है। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, अनाज को खेत में क्या किया जाता है। बच्चे कहेंगे अनाज को खेतों में उगाया जाता है। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे, उगाने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चे बताएंगे उगाने का शाब्दिक अर्थ है उत्पादन करना या पैदावार करना या उपजाऊ बनाना, सॉरी उपजाना, या फिर जिसे आप उगाना बोलते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं, बच्चे ऐसे बताएंगे। फिर आप पांचवा प्रश्न करेंगे, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र मौन हो गए। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम उत्पादन नामक विषय के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पर बात हो गई उद्देश्य कथन को लेकर की। आगे हम देखेंगे आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न।
प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे, टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, साइड में यहाँ पर क्रम संख्या, दूसरा रहेगा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा रहेगा छात्रन क्रिया, चौथा रहेगा शिक्षण विधि या प्रविधि, छठा रहेगा श्यामपट का। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे और इन चीजों को मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है उत्पादन किसे कहते हैं, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र मौन हो गए। फिर से आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, उत्पादन के कितने कारक हैं, यहाँ भी बच्चे मौन है। शिक्षण विधि में प्रश्नात्मक विधि हो गई, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं, और जब बच्चे मौन हो जाएंगे तो आप स्पष्टीकरण के माध्यम से उत्पादन के बारे में बताएंगे। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। छात्र अनुक्रिया की बात की जाए तो छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि स्पष्टीकरण विधि या व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और श्यामपट कार्य की बात की जाए, इसमें आप कुछ पॉइंट दिखा सकते हैं, तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु डालेंगे उत्पादन के महत्व, ठीक है। इसमें आप उत्पादन का महत्व कैसे क्या है तो आप उसको बताएंगे। आप इन पॉइंटों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये है उत्पादन के महत्व में कुछ और पॉइंट, ये आपके 3 पॉइंट और दिए हैं, आप इन चीजों को देख लीजिए। छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि की बात की जाए तो यहाँ पर व्याख्यान विधि पड़ी है, आप व्याख्यान विधि डाल सकते हैं। श्यामपट कार्यों की बात की जाए, आप उत्पादन के महत्व के कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हैं। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न। आगे हम इसी में देखेंगे आपके बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। बोध प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है उत्पादन से आपका क्या अभिप्राय है, दूसरा प्रश्न है उत्पादन के महत्व को बताइए, तीसरा प्रश्न है उत्पादन राष्ट्रीय आय में किस प्रकार सहायक है। तो ये हो गया बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न, जिसे देख करके आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे। फिर आएगा श्यामपट कार्य, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। श्यामपट कार्य की बात की जाए, इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि फर्स्ट पेज पे करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, और ऐसे ही आप उत्पादन के महत्व को ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखा सकते हैं। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसी में देखेंगे आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे। जब छात्र या छात्राएं श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे, इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को जो श्यामपट पर कार्य लिखा है उसको अपनी कॉपी में उतारने का आदेश देंगे तथा छात्रों की कॉपियों का घूम घूम का निरीक्षण करेंगी। तो ये हो गया निरीक्षण कार्य, जिसे आप स्वयं करेंगे या करेंगी। उसके बाद आएगा आपका पुनरावृत्त प्रश्न, यानी जिसे आप रिवीजन वर्क कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करवाएंगे क्लास में। इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया है मजदूरी किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है जो किसी व्यक्ति की भूमि पर केवल एक श्रमिक के रूप में कार्य करता उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई पुनरावृत्त प्रश्नों को लेकर के। लास्ट में आएगा आपका गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न उत्तर, सही गलत, सही मिलान, टिप्पणी, ठीक है, या फिर आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दे दिया है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें दिया है पहला कृषि राष्ट्रीय आय का डैश है, ठीक है, साथ में ऑप्शन भी आपने दे दिए हैं। फिर दूसरा है भारत की डैश जनसंख्या गाँव में रहती है, यहाँ भी ऑप्शन है। तीसरा है ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय डैश है। फिर चौथा है पशुओं का चारा हमें डैश से प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसे आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। आप चाहे तो प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं उत्पादन से आपका क्या अभिप्राय है, उत्पादन राष्ट्रीय आय में किस प्रकार सहयोगी है। तो इस तरह से आप टिप्पणी लिखने को या प्रश्नोत्तर लिखने को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी पाठ योजना संख्या 20 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 21 को लेकर के, जो कि आपके इकोनॉमिक्स या कॉमर्स विषय से संबंधित रहेगा और जो प्रकरण रहेगा वो है बाजार। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति
को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।